I mean, I think we are a bit nervous and anxious. This is her first film in Bollywood, so I think she'll be extra nervous. But for me, I mean, I don't keep expectations, and once I finish the film, then I'm done with it. Yeah, so I think once you see it, you will know what the USPs are. I mean, I can't come here and, you know, say, ye USP hai, isle aake dekho, isle aake dekho. It is, you know, a film which is very different. It's done in a very different manner. You know, it's a true story, a story which is audiences from all over the world should know. So, yeah, I think it would be interesting for people to watch it. Why did they not promote it? No, promotion but very unique way. I'm here with you, and that's Daddy's poster. This is Aishwarya, and we just want to tell our audiences this is a very special movie that we have made, and you should go out there in the theatres, give us a chance. And it's coming on the 8th of September, so give us a chance. हाँ तो 21 जुलाई को रिलीज होने वाली थी लेकिन फिर अरुण गावली के फैमिली से हमें एक रिक्वेस्ट मिला था कि शायद वो परोल पे आ जाए तो फिंगर्स क्रॉस्ड होपफुली आ जाए क्योंकि उस टाइम गणपति का भी त्यौहार है हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया गणपति का गाना भी है तो और गणपति जो हैं उनके लिए बहुत मायने रखते हैं वो बहुत सेलिब्रेट करते थे लालबाग का राजा में सबसे बड़ा गणपति लगता है तो वो चाह रहे थे कि उस दौरान अगर हम रिलीज़ करें तो गणपति के टाइम पे हम रिलीज़ नहीं करना चाहते थे तो उसके बाद एक हफ्ते बाद 8 सितंबर को हमने वो डेट चुना या इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस लाइक आई डिड लॉट ऑफ फिल्म्स इन तमिल बट फर्स्ट टाइम इट्स गोना बी इन हिंदी एंड वर्किंग विद अर्जुन वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस बट ही वाज एक्चुअली वेरी वेरी सपोर्टिव टू मी बिकॉज आई कांट स्पीक हिंदी एट ऑल सो ही टॉट मी लॉट ऑफ ही एक्चुअली करेक्टेड मी इन मेनी वेज अर्जुन एंड ऑशिम Ashim was also not so good in Hindi, but he was not as bad as me. But yeah, they were very very supportive in this entire journey of. सिर्फ look पे ही नहीं पूरी picture में मेहनत की गई है, you know. सर मेरे look पे नहीं, इनका भी जो look है. मगर जब आप एक को मौका मिल रहा है, एक living इंसान जो अरुण गावली हैं, जिनका एक बहुत ही distinctive look है, उन पे जब आप कहानी बना रहे हो. और अगर मैं अर्जुन रामपाल बनके उस कहानी के कैमरा के सामने जाऊंगा तो लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगा तो इसीलिए बहुत ज़रूरी था कि हम जितने करीब आ सकें अरुण गावली के उतने करीब हम जाएं तो बहुत ज़रूरी था कि जब मैं लुक टेस्ट किया या जब मैंने लुक टेस्ट किया जब मैंने यू नो अलग वो 40 साल के पीरियड पर फिल्म है तो 1970s में कैसे दिखते थे फिर 90s में कैसे दिखते थे फिर 2012 में कैसे दिखते हैं तो वो डिफरेंट लुक्स ट्राई कर करके हमने प्रोस्थेटिक्स के लिए इटली से ये मेकअप आर्टिस्ट मंगाए थे उन्होंने बहुत मेहनत की और मैं आई एम वेरी खुश कि वी केम वेरी क्लोज टू देखिए सबसे मज़ा तब आता है जब दर्शक पिक्चर को पसंद करती है यू नो क्योंकि हम फिल्म उनके लिए बनाते हैं यू नो यू वांट एन ऑडियंस जितने लोग जाके देखें जितने लोग ये पिक्चर को सराहें उनका प्यार दे उसके साथ कनेक्ट हो जाए उसके साथ पार्टिसिपेट करे यू नो और उनके उनके शायद लाइब्रेरी में हमारी फिल्म विल बी वन ऑफ द टॉप फिल्म्स वो एक चाहत होती है किसी भी कलाकार की तो ऑफ कोर्स आई थिंक इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि ऑडियंसेस इन्जॉय और कितनी बड़ी ऑडियंस मिलती है उतनी बड़ी आपकी बॉक्स ऑफिस हो जाती है मगर जितनी ऑडियंस मिले उतना बेटर बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है यू नो डायरेक्टर्स ने दोस्तों ने एक्टर्स ने और बहुत पहले जब टीज़र भी निकला था हमने तो टीज़र दिसंबर में निकाला था और फिर ट्रेलर जब आया फिर जब लुक्स आए यू नो फिर जब गाने आए तो डेफिनेटली आई थिंक पीपल ने देखा है कि कुछ अलग बनी है कुछ अलग किस्म की फिल्म है तो उसे उस नज़रिए से देखते हुए आई थिंक देयर इज़ अ बिट ऑफ क्यूरियोसिटी कि किस Oh, I'm going to do a Tamil film with her now. No, we're just joking. फिलहाल तो इतना ही है अभी डैडी सितंबर 8 को आएगी तो प्लीज़ जाके देखिए Thank you. Thank you.